चैनल इंडियन रेसिपीज बाई मीरा गुप्ता में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गुजराती भावनगरी बनाएंगे। हम गुजराती भावनगरी बनाएंगे। यह बहुत ही सॉफ्ट स्नैक है। इसे सुबह नाश्ते में या कभी भी खाया जा सकता है। इसकी सामग्री इस प्रकार है। 250 ग्राम बेसन लिया है महीन। रिफाइंड तेल मिक्स करने के लिए 50 ग्राम। 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच अजवाइन, 2 पिंच हल्दी, मीठा सोडा 1/4 चम्मच, काली मिर्च 1/4 चम्मच, इसमें एक वाइट नंदी आती है वो भी डाल सकते हैं, नमक 1/2 चम्मच, ऑयल तेल तलने के लिए। अब हम बेसन को छान के मारें। बड़ा बर्तन मारने के लिए हमने चलनी ली है छानने के लिए। इसमें हम मीठा सोडा डालेंगे और नमक डाल देंगे, हल्दी भी डाल देंगे। अब हम इसको छानेंगे जिससे ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बेसन में छान लिया। अब हम इसमें अजवाइन डालेंगे, जीरा डाल देंगे, काली मिर्च डाल देंगे, मिक्स करके हम इसमें रिफाइंड डालेंगे। इसमें हम 10 ग्राम बचा लेंगे। 40 ग्राम डाल दिया है। अब इससे हम मिक्स करेंगे। ऑयल मिक्स हो गया है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे जिससे हमारा ज्यादा गीला ना हो जाए। अब इसमें थोड़ा तेल लगा के इसको हम 1/2 घंटा के लिए ढक के रख देंगे। ये हमने रोटी से पतला लिया है और बेसन गूंथते हैं उससे गाढ़ा है, क्योंकि अगर हम कड़ा मारेंगे तो हमारी सेब टाइट हो जाएंगी। हमें सॉफ्ट लिए सॉफ्ट आटा मारना पड़ेगा। इसे हम 1/2 घंटा के लिए ढक के रख देंगे। अब हम गैस जलाएंगे। तेल गरम करने के लिए रख देंगे। अब हम भावनगरी बनाएंगे। इनको बहुत ज्यादा नहीं सेकते। ये हमारे सिक गए, हम इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे सेक लेंगे। हमारे सिक गए, अब हमें इन्हें निकाल लेंगे। इनको सेबों को हल्का ही सेका जाता है, ज्यादा डार्क नहीं किया जाता। इन लच्छों को हम छोटे पीसों में तोड़ेंगे। ये वही क्रिस्पी क्रिस्पी बने हैं। ये ठंडे होने के बाद एयर टाइट डिब्बे में भरेंगे। ये हमारी भावनगरी बन गई है। ये सर्व करने के लिए तैयार है। आशा है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।